नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पाकिस्तान की आर्थिक हालात बिगड़ती जा रही है। कई इलाकों में खाने पीने की जरूरी सामानों का भी संकट पैदा हो गया है। सिर्फ आटे का ही एक कट्टा लेने के लिए लोग मारपीट पर उतारू हैं। इसी आर्थिक चोट ने कहीं न कहीं पड़ोसी देश भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान के तेवर नरम पड़ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में भारत को लेकर जो बयान दिया है वह उनकी सरकार के पिछले कड़वे बयानों से काफी अलग है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम दोनों पड़ोसी देश दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अब यह हमारे ऊपर है कि हम मिलजुल कर शांति के साथ रहें और तरक्की करें या एक दूसरे से झगड़ा करते हुए समय के साथ साथ साधनों की भी बर्बादी करते रहें। शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि हमें सबक मिल गया है कि अब हम शांति के साथ जीना चाहते हैं और अपनी परेशानियों का हल करना चाहते हैं। कश्मीर को छोड़कर अब पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। भारत पहले कश्मीर को कम से कम विवादित मुद्दा तो मानता था, लेकिन अब इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता। अमेरिका से नजदीकी की वजह से भी भारत कश्मीर को लेकर और सख्त रुख अपना रहा है। थोड़े समय बाद ही सही, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान की सरकार को इतनी समझ तो आ गई कि अगर भारत से संबंध ठीक बनाए जाते तो शायद वह आर्थिक संकट से इतना नहीं जूझता और उनका आर्थिक संकट इतना गहरा न होता। जाहिर तौर पर भारत बड़ा देश है और कई मायनों में पाकिस्तान से आगे भी। दोनों का सबसे बड़ा कनेक्शन है कि दोनों देश कई ओर से सरहद साझा करते हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान की कारोबार से लेकर मानवीय सहायताओं में भी काफी आगे रह सकता है। जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया तो भड़के पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारी संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान सरकार जोश के साथ अपने होश खो बैठी और होश खोने के साथ ये फैसला ले बैठी। मजबूत पड़ोसी देश से व्यापारी रिश्ते खत्म करने का क्या नुकसान हो सकता है, यह शायद पाकिस्तानी सरकार देख नहीं पा रही थी या फिर दुश्मनी की आग में देखना ही नहीं चाह रही थी। या यूं कहें तो यह फैसला जन भावनाओं को भी लेते हुए किया गया हो। खैर जो भी हो, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही हो रहा है। पाकिस्तान की हालत जब बेहद खराब हो गई तो उसे अब शायद भारत से दरिया दिली की आशा है। इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तेवर काफी नरम दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले भारत को लेकर कई विवादित बयान देने वाले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, बल्कि अब वहाँ के नागरिक और मीडिया भी भारत की ओर नरमी से देख रही है। दुनिया भर के निवेशकों के लिए भारत एक सबसे पसंदीदा जगह बनकर उभरा है। पाकिस्तान को भी अब भारत के साथ संबंध सुधारने चाहिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास की वजह से दोनों देशों का द्विपक्षीय कारोबार थम गया है। भारत अफगानिस्तान को गेहूं भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दे रहा। जबकि पाकिस्तान में जिस तरह का खाद्य संकट चल रहा है, अगर भारत से गेहूं आयात करने लगे तो कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। मौजूदा समय में पाकिस्तान मोटे खर्चे के साथ UAE, मिस्र, ब्राजील, सिंगापुर और रूस जैसे देशों से जरूरी चीजें आयात कर रहा है। अगर यही चीजें भारत से आयात होती तो काफी कम खर्च के साथ वह काम कर जाता। पाकिस्तान अगर भारत से आयात करता है तो सिर्फ शिपमेंट चार्ज में ही अच्छा खासा पैसा बचा सकता था। इसके साथ ही भारत से आयात किया हुआ सामान समय के साथ चीजों को बाजार तक पहुंचा सकता है। दरअसल इन सभी देशों के साथ पाकिस्तान का शिपिंग चार्ज काफी बड़ा है। ऊपर से डॉलर के सामने कमजोर होते जा रहे पाकिस्तानी रुपए की वजह से यह संकट
और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ गेहूं की खरीदारी के लिए ही पाकिस्तान को कई गुना कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान ने पहली बार शांति वार्ता की कोशिश नहीं की है। जब जब पाकिस्तान की आर्थिक गाड़ी डगमगाती है, उसे अपना पड़ोसी देश भारत याद आ जाता है। मौके पर कोई भी सरकार हो, वह भारत से संबंध मजबूत करने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति ही उन्हें कामयाब नहीं होने देती। नेताओं में बयानबाजी होती है और आखिरकार वार्ता की कोशिश रुक जाती है। साल 2018 में इमरान खान सरकार में आए, उस समय ऐसी चर्चा रही कि इमरान खान अपने कार्यकाल में भारत से रिश्तों को बेहद ठीक करेंगे। हालांकि बीच में पुलवामा और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर सब कुछ बिगड़ गया। पाकिस्तान के भारत से कारोबारी संबंध खत्म हो गए। हालांकि कुछ समय बाद पाकिस्तान सरकार की ओर से द्विपक्षीय व्यापार को फिर से शुरू करने की कोशिशें की गई। इमरान खान और शहबाज शरीफ की सरकारों से सालों पहले भी दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने की कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन हमेशा बातचीत विफल रही। साल 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति दूत बनकर लाहौर पहुंचे थे। लाहौर से लौटते हुए उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि दोनों देशों के बीच कारगिल का युद्ध छिड़ गया। रिश्तों में अब और ज्यादा खटास आ गई। युद्ध की वजह से दोनों तरफ के लोगों की भावनाएं भी काफी भड़क गईं। उस समय पर दोनों देशों के किसी भी नेता का शांति बहाली पर बात करना काफी मुश्किलें पैदा कर सकता था। दो साल बाद जब लोगों के जख्म थोड़े थोड़े भर गए, तो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आए और शांति की वार्ता फिर शुरू हुई। जनरल परवेज के वापस लौटने के कुछ दिनों बाद ही भारत में सीमा पार से आतंकवाद बढ़ना शुरू हो गया। इस नई परेशानी को देखते हुए दोनों देशों में फिर खटास बढ़ गई। उसके बाद से ही जब भी शांति करने की कोशिशें हुई, तो रिजल्ट के तौर पर उरी और पुलवामा जैसे आतंकी हमले देखे गए। अब पाकिस्तान फिर से भारत के साथ शांति वार्ता चाह रहा है। देखना होगा कि भारत सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। धन्यवाद।